वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कल के लिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि कहाँ एंट्री बनती है और कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ पे एसएल लगाना है। उससे पहले आपको ये बता दूं कि वीडियो के अंत में मैं आपको बेहतरीन स्टॉक दूंगा जिस पे आप ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको हेरिटेज दिया था, जो मैं आपको 3 तारीख को दिया था। 3 तारीख के बाद ये कंटिन्यू आप ट्रेंड में है। जिस दिन मार्केट बुरी तरह भागा था, उस दिन भी इस स्टॉक ने 6% का रिटर्न दिया है। मैं आपको कैंडल के ऊपर प्रूफ दिखा देता हूँ। 3 तारीख को मैंने दिया था, 3 तारीख का था, और 4 तारीख को मार्केट जब गिरा था 10%, ये 4 तारीख की कैंडल आप देख लीजिए, 6.5% का मूवमेंट इसने दिया था। उसके बाद कंटिन्यू भाग रहा है। अभी आप सबसे मेरा ये कहना है, अगर आप लोगों ने इसमें एंट्री ली है, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कीजिए या फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि एक अच्छी रैली हो चुकी है और अभी ये अगर लोअर सर्किट में फंस जाता है तो आपको मुश्किल हो सकती है। तो मेरी आपसे भाई वाली रिक्वेस्ट ये, या तो प्रॉफिट बुक कीजिए या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ लीजिए, जिससे आप जो प्रॉफिट आया है, जो मिला है आपको, उसको आप सेव कर सकें। आज ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक दूंगा। कल मैंने वीडियो के अंदर टाटा स्टील आपको दिया था और NSE दिया था। आज आप पूरा मार्केट जो था वो साइडवेज था, और मैं आपको दोनों जो स्टॉक, इन दोनों के परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। इन दोनों स्टॉक के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन रिजल्ट निकल के आया है। मैंने कल दिखाया था, उसके बाद आज इस स्टॉक का, आज की कैंडल है 10 तारीख की, आप चेक कर लेना। आज का जो हाई है वो है 182। ये मैंने टाटा स्टील दिया था स्विंग ट्रेड के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिया होगा, अगर लिया है तो इसे होल्ड कीजिए, एक अच्छा मूवमेंट आने की इसमें उम्मीद है। दूसरा मैंने स्टॉक दिया था आपको NSE भी आपको चेक करा दिया, 10% ऊपर था, और आज का जो हाई था वो था 336। अगर NSE में आपने ट्रेड लिया है तो मैंने ये स्पेशली आपको बोला था कि NSE को अगर लेना है तो पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर किसी ने ले रखा है, मैंने पहले भी इसे दिया था 274 पे, अगर किसी ने ले रखा है तो प्लीज़ इसको होल्ड कीजिए। और अगर सिर्फ इसको स्विंग ट्रेड के लिए किसी ने लिया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े टारगेट इसमें दिखेंगे, तो एटलीस्ट मेरा ये कहना है कि 1 हफ्ते तक इसको NSE को आप होल्ड करके रख सकते हैं। अभी बात करते हैं कल के लिए, कल कौन से 2 बेहतरीन स्टॉक है जो मैं आपको देने वाला हूँ, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल क्या है। आज जो था मार्केट पूरा साइडवेज था। रीज़न ये था कि BJP गवर्नमेंट बनी, इंडिया में पॉजिटिव नहीं थी, मगर US के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो आया है वो नेगेटिव आया है, उस वजह से वहाँ की कोई पॉजिटिव न्यूज़ थी नहीं, और तो ग्लोबल मार्केट की वजह से भी हमारा कोई मूवमेंट बना नहीं और मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा। तो कल क्या करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की, फिर लास्ट में मैं आपको बेहतरीन स्टॉक दूंगा जिसके ऊपर ट्रेड करके आप 2 पैसे कमा सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी का कल मैंने जो लेवल दिया था वो वैलिड है। जब तक मार्केट 23,303 के ऊपर ट्रेड करने नहीं लग जाता, मार्केट में नई रैली नहीं आ सकती, और जो नीचे का लेवल है, अगर नीचे आपको 23,000 के दर्शन करा सकता है। फिर रिपीट कर दूँ, निफ्टी में मेक एंड ब्रेक लेवल है, वो है 23,303। अगर इसके ऊपर मार्केट टिक जाता है, 1 घंटा ट्रेड करता है, तो आपको ऊपर का एक अच्छा मूवमेंट दिख सकता है। अगर ये इसको होल्ड नहीं कर पाया और मार्केट 23,170 के नीचे ट्रेड करता है, तो नीचे 23,000 के दर्शन आपको पक्का करवा देगा। आज साइडवेज था, कल मार्केट क्या होता है, एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेना है, ये मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। ऊपर आई आइकन में उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, जिस किसी भाई ने देखना है वो जाके देख सकता है, जिससे उसको क्लियर हो जाएगा कौन से इंडिकेटर यूज़ करने, उसकी सेटिंग क्या होगी, एंट्री कब बनती है, एग्जिट कब बनता है। जो भाई हमारा नया इस चैनल पर जुड़ा है उसको यह हेल्प मिल सकती है। दूसरा, आप जो व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं उसके ऊपर जुड़ सकते हैं, उसके ऊपर हम आपको बेहतरीन स्टॉक देते हैं जिसमें पैसे कमा के आप 2 पैसे सेव कर सकते हैं, या जो आपका लॉस हो रखा है शेयर मार्केट के अंदर उसको आप कवर कर सकते हैं। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। व्हाट्सएप पे जुड़ना बहुत ईजी है, जो नंबर आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर आपने हाई करके लिखना है, और मेरी टीम आपको पक्का ही कॉन्टेक्ट करेगी। आपने वहाँ से बस कंफर्मेशन कराना है कि हाँ, हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। व्हाट्सएप में जुड़ने का कोई पैसा नहीं है दोस्तों, 1 पैसा आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा, ना कोई स्टॉक देने का चार्ज ले रहा है, ना कोई उसमें लेवल देने का चार्ज ले रहा है। और मार्केट के अंदर आज लाइव मार्केट के अंदर मुझे लोगों ने कॉल किया था, 4-5 कॉल मेरे पास आए थे, और मैंने 100% हर एक इंसान को पर्सनली कॉल करके बताया है कि उसे क्या करना है। अगर आपको भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं।
बस इस चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी के अंदर जब तक मैंने आपको कल ही बताया था 49830 को मार्केट ऊपर ट्रेड करने नहीं लगेगा तो मार्केट में नई तेज़ी नहीं आएगी। ऊपर अगर 49830 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है और फर्स्ट हाफ मार्केट निकाल देता है, मतलब 9:30 से लेकर 10 के बीच में अगर होल्ड कर लेता है तो 51000 के दर्शन आपको करा सकता है। अगर जब तक इसको होल्ड करता है तो, अगर होल्ड नहीं करता तो जो नीचे के दर्शन है वो आपको 49380 का सपोर्ट, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। ये जो लेवल है मेक एंड ब्रेक है, डिपेंड करता है कि इसको कल कर पाता है या नहीं। अगर होल्ड कर लिया तो बढ़िया है, नहीं किया तो आपको पुट, अगर नीचे का लेवल मिलता है तो पुट बाई कर लेना, ऊपर का मिलता है तो कॉल बाई कर लेना। ऊपर आपको 1000 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा और नीचे आपको ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। दोनों लेवल फिर रिपीट कर दूँ, ऊपर का जो लेवल है वो है 51008, नीचे का जो सपोर्ट बनता है वो बनता है 49380, और जो मेक एंड ब्रेक लेवल है वो है 49830। इसके जिस तरह मार्केट चला गया, मैं फिर बोल दूँ प्लीज़ जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है, कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड करना है। पैसा 100% बनेगा, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, अपने शेड्यूल के अंदर। एक बात याद रखिए दोस्तों, हर एक चीज़ का कोई शेड्यूल है। आप सुबह उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, अपनी जॉब पे जाते हो, अगर घर हाउसवाइफ है तो कोई, वो सुबह उठते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अगर एक बच्चा है तो उसको सुबह उठना है, स्कूल जाना है, एक शेड्यूल में हर कोई इंसान बंधा हुआ है। तो ट्रेडिंग भी एक शेड्यूल, एक सिस्टम है, सिस्टम ही ढंग से चलोगे तो पैसा बनेगा। अगर आप हर जगह एंट्री ढूंढोगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, लॉस के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज तक आपने लॉस करते आए हो, एक बार मेरा कहना मानो, जो सिस्टम मैंने आपको बताया है, जो वीडियो में आपको बता रहा हूँ, जो वीडियो में आए आई आइकन में दिया है, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया है, देखिए समझिए वैसे ट्रेड कीजिए, पैसा 100% बनेगा। आज मेरा एक हमारे व्यूअर है, उनका व्हाट्सअप के ऊपर आया था, सर आप जो स्टॉक दे रहे हो उसको मैं ट्रेड करके अपना लॉस धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। अच्छी बात है दोस्तों, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप ट्रेड कीजिए, पैसा कमाइए, अपने घर लेके जाइए, दुआ में याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्त हो सके तो दोस्तों के साथ चैनल शेयर कर देना, नहीं करो तो आप लोगों की मर्जी। निफ्टी के लेवल बता दिए, बैंक निफ्टी के लेवल बता दिए, अब कल के लिए बेहतरीन स्टॉक जो स्टॉक है वो है टैक्स इंफ्रा। इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसका जो लेवल है वो है 128। अगर कल मार्केट 128 के ऊपर खुलता है, मैं फिर बोल दूँ 128 के ऊपर खुलता है तो आप बाई साइड में जा सकते हैं। अगर मार्केट 128 के नीचे खुलता है तो आप बिंदास होकर इंट्राडे के अंदर से सेल कर देना। जो आपको नीचे का लेवल मिलेगा वो मिलेगा 122। आप बोलेंगे कि सर 6 रुपये का ही मूवमेंट है, सर स्टॉक भी तो 100 रुपये का है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको अगर 1000 रुपये का टारगेट दिया है तो वो स्टॉक भी तो 51000 का है। निफ्टी के अंदर मैं अगर आपको 300 पॉइंट का मूवमेंट बता रहा हूँ तो वो स्टॉक भी तो 21000 का है। ये 100 रुपये का स्टॉक है, इसका पोटेंशियल इतना ही है। मुझे बताया कि 22-21 के आसपास आके ये मुड़ सकता है। अगर ये ऊपर खुलता है तो ऊपर के टारगेट अच्छे निकल सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हो। मगर अगर नीचे खुलता है तो 21-22 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लेना इंटरडे में सेल करके। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग लेनी है फिर भी ले सकते हो, अच्छा स्टॉक है। मगर मेरा ये आपको पर्सनली कहना है, टाटा स्टील के अंदर अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो बनाए रखिए, अच्छा पैसा बन सकता है। दूसरा स्टॉक जो है, मैंने हेरिटेज आपको ऑलरेडी दे रखा है, टाटा स्टील मैंने ऑलरेडी दे रखा है, NSE दे रखा है, एक और स्टॉक ये करूर, ठीक है। ये स्टॉक मैंने फंडामेंटली चेक नहीं किया है, टेक्निकली इसने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है, 202 का रेजिस्टेंस था जो तोड़ के इसने 215 के अंदर रैली दी है। अगर ये कल यहाँ होल्ड करता है, अगर एक वीक का किसी का विजन है भाई एक वीक तक मैं होल्ड कर सकता हूँ तो इसके अंदर पोजीशन बना सकते हो। इंट्राडे के ऊपर इसका जो लेवल बनता है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इसका लेवल जो बनता है वो बनता है या तो 202 के पास, सॉरी 204 के पास वापस आए रीटेस्ट करने के लिए, 204 के पास आए तो आप बाय साइड में जा सकते हो। अगर 204 को तोड़ेगा तो नीचे आपको 92 के दर्शन करा सकता है। तो ये स्टॉक है, ये सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, मैं ऐसा इसको बता नहीं रहा, क्योंकि आज का जो मूवमेंट है 7% प्लस है, कल भी ये प्लस खुलने की उम्मीद है। इसका जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास का है, तो इसमें एक और फंडामेंटल चेक कर लेना।
RSI में इसका चेक करके बता देता हूँ आपको। RSI आई होप इसका बुलिस होना चाहिए, RSI इसका 71 का है। अच्छा, RSI है, बुलिस है, तो भाई साइड में अगर जाना है तो ध्यान रखिएगा। आज का जो हाई था वो ब्रेक अगर हो जाता है, आज का इसका हाई था, अगर ब्रेक कल हो जाता है तो आप बाय साइड में जा सकते हैं। इसका हाई जो है वो 218 था, 218 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लग जाता है तो बाय साइड में चले जाना। अगर 218 का हाई ब्रेक नहीं करता है और नीचे का मूवमेंट देता है तो 204 का टारगेट आपको दिखाई देगा, आप वहाँ पर इंटरडे के अंदर सेल कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है, आपको ये तरीका पसंद आया है जिसमें मैं स्टॉक और इंटरडे के लेवल देता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे आपकी तरह कोई भाई जिसको लॉस हो रहा है वो भी दो पैसे कमा सके। अगर आपको लाइव ट्रेडिंग के अंदर हेल्प चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पे दे रखे हैं, इस पे हाई करके लिख दीजिएगा। टर्म्स और कंडीशन बस इतनी की है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही मुझे आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा। कुछ नहीं चाहिए, ग्रुप में जोड़ने का कोई पैसा नहीं है, पर एटलीस्ट आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे ये नॉलेज है ये आगे बढ़ सके। नहीं तो आपकी तरह जो भाई लॉस में बैठा है वो लॉस में रहेगा। मेरा एक प्रयास है आगे बढ़ाना, आप लोगों का साथ आप लोगों का मिलेगा तभी पॉसिबल है, ये तो नहीं हो पाएगा। अपना ध्यान रखिए, हमेशा की तरह मैं एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, लॉस को रोकना सीख लो, पैसा आपके पीछे भागेगा। आप प्रॉफिट के पीछे मत भागो, लॉस को ही पीछे भागो कि मेरे को लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मेरे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वॉइस थोड़ी ख़राब है, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।